নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নারায়ণং নমস্কৃতং নরং চৈব নর্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং তথৈব মুনিঃ নষ্টপ্রায়েষু ভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া ভগবতি উত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী মুখং কৃতি বাচলং পঙ্গুলঙ্গায়তে গিরিং যৎকৃপাহি তমং বন্দে শ্রীগুরুদিনতারিণম্। অংশ ভগবতাস্মি দাসস্মি সর্বদা তৎকৃপা পৃষ্ঠ নিত্যং তৎপৃষ্ট সৎক্রমী সম রাধা সম্মুখ সংসক্তিং সখী সঙ্গ নিবাসিনী তমাং সততং বন্দে মাধবশ্রমিকাম। হরে কৃষ্ণ। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম ষষ্ঠ স্কন্ধ অধ্যায় এক, অজামিল কে জীবন কা ইতিহাস। ইস বর্ণন সে হাম লোগ আজ এক শ্লোক চর্চা করেঙ্গে। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 15 नंबर श्लोक, पंचदश नंबर श्लोक। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्दन्ति कस्मेन নিহারমিব ভাস্করঃ। কেচিত কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব পরায়ণঃ অঘং ধুন্দন্তি কর্ষণেন নিহারমিব ভাস্করঃ। কেচিত কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব পরায়ণঃ অঘং ধুন্দন্তি কর্ষণেয়ং নিহারমিব ভাস্করঃ। মাতাজি
सदर्थ केचित कुछ लोग केवल या भक्त्या शुद्ध भक्ति के द्वारा वासुदेव सर्वव्यापक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परायण पूर्णतया आसक्त तपस्या ज्ञान के अनुशीलन या पाप या पुण्य कर्मों पर आश्रित रहे बिना ऐसी सेवा के प्रति अगम सभी प्रकार के पाप पुण्य फल धुन्नन्ति विनष्ट करते हैं। कर्षणेन पूर्णतया सावधाना के बिना किस पापुण्य इच्छाएं पूर्ण जीवित होगी। निहारम कुहरा इव सदृश भास्कर सूर्य शिल प्रभुपाद द्वारा दिया गया अनुवाद तात्पर्य जगत में शिल प्रभुपाद की। कोई बिरला व्यक्ति है जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पापपूर्ण कार्यों के खरपताओं को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनरुज्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती, वह भक्ति जग संपन्न करके इस कर सकता है, इससे कर सकता है। जिस तरह सूर्य अपने किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है, कृपा करके आप लोग बोलिए। कोई बिरला व्यक्ति है जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पापपूर्ण कार्यों के खरपतावर को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनरुज्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती, वह भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है। जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है, तात्पर्य आपका अनुभव बड़ा है। हम लोग धीरे धीरे पाठ करेंगे। इस छठा स्कंद सिलो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को पांचवा स्कंद में आखिर में सारे नरक का वर्णन करके दिया। सारे नरक वर्णन करने के पश्चात श्री परीक्षित महाराज ने मन में प्रश्न आया, तो कैसे जो पापी व्यक्ति नरक में जाते हैं, कैसे पाप से कैसे आदमी मुक्त हो सकते हैं। इस प्रसंग में दोहराते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं इस छोटा स्कंद में कि कैसे ये पाप कर्म से पूरी तरह से रूप से आदमी बच सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से इस अध्याय में तात्पर्य में बहुत सुंदर से वर्णन करके गया।
इसलिए आज जिस श्लोक में वर्णन हो रहा है ये बहुत सुंदर से वर्णन करके गया। जय श्री राधा मधुरंजन सुंदर की, जय श्री कृष्ण राम जी भगवान की, जगन्नाथ भगवे शुद्ध महारानी की, पतित पवन गो निकाय की, गुरुहार सिंह भगवान की। इसलिए आज के श्लोक में अनुवाद में श्लोक में बोला है केचित केवल या भक्त्या, कुछ लोग। इसलिए आज के श्लोक में बहुत सुंदर इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण चीज माता की किया, केचित केवल या भक्ता, कुछ लोग केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा। शुद्ध भक्ति किसका प्रति करते हैं? वासुदेव परायणा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति करने वाले व्यक्ति। तब कुछ व्यक्ति क्या होता है, अघं धुन्नन्ति, सारे पापों से, सारे पाप फल पाप पुण्य कर्म फल से धुन्नन्ति, विनष्ट करते हैं। तब क्या होगा, कार्तोस स्नेहं, अर्थात पुण्यते संभावना के बिना ये पाप पुण्य इच्छाएं पुनर्जीवित होंगे। किस तरह तरीके से, एक उदाहरण देखेगा इस श्लोक में, निराह रमीव भास्कर, अर्थात निराह रिव कोहरा भास्कर, जैसे सूरज जिसमें उदित होते हैं कोहरा अपने आप दूर हो जाते हैं। इसलिए आज इस श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक प्रयोग करके तात्पर्य वर्णन करके गया। इसके जो पिछले श्लोक है, पिछले श्लोक में बहुत सुंदर रूप से वर्णन करके गया उदाहरण स्वरूप, इसलिए तात्पर्य बताया गया। इसलिए प्रभुपाद जी ये पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामिनी ने यह उदाहरण दिया था कि बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियां अग्नि द्वारा पूरी तरह से जलाकर राख कर दी जाती है, यद्यपि लतरी फिर से अंकुरित हो सकती है, क्योंकि उनकी जड़ें अब भी जमीन के भीतर है। इसी तरह क्योंकि पाप पुण्य इच्छा रूपी जड़ उस मनुष्य के हृदय से विनष्ट नहीं हुई है, जो ज्ञान का तो अनुशीलन कर रहा है किंतु जिसमें भक्ति के प्रति रुचि नहीं है, अतः उसकी पाप पुण्य इच्छाएं पुनः प्रकट होने की संभावना रहती है। सुखदेव गोस्वामी ने इसका पिछला श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन करके दिया। कल बहुत सुंदर बताया गया जो बेनु गुल्मो मीमा अनल, बेनु गुल्मो मीमा अनल, तो जैसे उदाहरण दिया गया यहाँ पे, जो बांस पेड़ के नीचे जो लतारों पता रहते हैं, कभी कभी खेती का मालिक ज्यादा पत्थर गिर जाते हैं इसीलिए उसको सूखा सूख जाते हैं, इसको आग से जला देते हैं, साफ कर देते हैं जला के, परंतु कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं फिर से नीचे से अंकुरित होता है। यहाँ पिछले प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, ये यद्यपि हम लोग ऊपर में देखते हैं जो कर्म योग ज्ञान योग का माध्यम बहुत कुछ करते हैं, परंतु कर्मयोग और ज्ञान योग उसका अंधार में जो जड़ रहते हैं, ऊपर से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, परंतु यदि यह पे श्लोक के बाद बहुत सुंदर से वर्णन करके गया, यदि भक्ति के प्रति यदि उनका आसक्ति नहीं होगा, यदि रुचि नहीं होगा,
ज्ञान का तो अनुसरण कर रहे हैं, किंतु जिसमें भक्ति के प्रति रुचि नहीं है, अतः उसके पाप पुण्य इच्छाएं पुनः प्रकट होने की संभावना रहती है। इसलिए सारे शास्त्र में बताया गया जो ये जो भक्ति योग है, भक्ति योग होता है सर्वश्रेष्ठ पंथा है। इसलिए शास्त्र में बताया गया ज्ञान कर्म कर्मकांड सकली विषय भंड, ये सब जहर के भंड का शक्ति से, इससे पाप पुण्य का जो जड़ है वो कभी भी निर्मूल नहीं कर सकते, नहीं होता है कर्मकांड ज्ञान कांड से। इसलिए उसको जहर का भंड का सदृश करके दिया। जहर का भंड क्यों? क्योंकि वो ये जो पाप पुण्य कर्म का फल का जो जड़ है उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, वो जड़ रह जाते हैं। जड़ से फिर से वो अंकुरुद्गम होता है पाप पुण्य। इसलिए शास्त्र में कह श्रीमद भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया गया द्वितीय अध्याय में 46वां श्लोक में, जो तावनो सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतो जावानतो उदोपाने सर्वतो संकृतोदके, जो क्षुद्र जलाशय में जो काम साधन करना पड़ता है बृहद जलाशय में वो काम अपने आप साधित हो जाते हैं, उसके लिए अलग करके हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए जो भक्ति योग जागरण करते हैं, भक्ति योग होता है सर्वोत्कृष्ट पंथ। ज्ञान कांड कर्मकांड जो अष्टांग योग सब कुछ करने के बाद भक्ति योग का दरवाजा में वो आके खड़ा कर रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। इसलिए जो भक्ति योग जाजन करते हैं वो सर्वोत्कृष्ट बनता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बताया गया ये केचित केवल है भक्ता, कचित व्यक्ति बहुत ही कम व्यक्ति ये भक्ति योग जाजन करने के लिए इच्छा प्रकाश करते हैं। भक्ति योग जाजन करने के लिए वो मन में इच्छा प्रकाश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आदमी ये दुनिया में ज्ञान कांड कर्मकांड के बीच लगे हैं, उसको पता नहीं है जे ये ज्ञान कांड कर्मकांड करने के वजह से इसको परिणाम क्या होगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर से वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, जे इसका यद्य भी हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया जो खरपतवार है उसको जला देते हैं, परंतु उसके कुछ दिन बाद नीचे से फिर से अंकुर उद्गम होता है। इसलिए यद्यपि हम लोग देखते हैं जो ज्यादा से ज्यादा आदमी समाज से देखते हैं, समाज सेवक व्यक्ति है, जो कर्मकांड ज्ञान कांड व्यक्ति है, वो बहुत कुछ करते हैं, परंतु उनका परिणाम वही पाप और पुण्य कर्म का पीछे ऊपर रहता है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए कहते हैं लाभ ना होइल किछु घटिल जंजाल, लाभ तो होता ही नहीं है जंजाल सृष्टि करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में यहाँ पे कहा गया ये श्रेयो श्रुतिहीन भक्ति मुदस्यते विभो क्लिशयन्ति ये केवलो केवलो बोधो लब्धये, जो चिंतक पाप तथा पुण्य कर्म शुभाशुभ में अंतर करते हुए भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम करते हैं किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं है, वो ये भौतिक कार्यों के प्रति उन्मुख रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति
केवल भौतिक जगत के, भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक श्रम करते हैं, अत्यधिक श्रम करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के, भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो उनको क्या होगा, भक्ति प्राप्त करने के लिए उनका कोई इच्छा ही नहीं है, परंतु आखिर तो उनको वो भक्ति मार्ग में आने के लिए उन्मुख रहना पड़ता है। वो ये नीचे गिर कर सकाम कर्म में लिप्त हो सकते हैं। यदि वो भक्ति का मार्ग में नहीं आते हैं तो फिर से उनको वो सकाम कर्म में लिप्त होकर नीचे गिरने की संभावना रहती है। किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त होता है तो भौतिक भोग की उसकी इच्छा बिना किसी पृथक प्रयास के स्वतः ही नष्ट हो जाती है। भक्ति परेशान भावो विरक्तिर अन्नत्र च। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में उन्नत है तो उसके लिए भौतिक कर्म, पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही स्वतः स्वाधीन बन जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। जो कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वो ये जो ज्ञान और कर्म का पीछे भागते नहीं है। इसलिए ज्ञान और कर्म ये बहुत दूर की है, बहुत दूर में है। इसलिए शास्त्र में बताया गया जो ये भौतिक संसार में दो प्रकार जीव रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में मनन करते करते हैं मध्यला द्वादशी अध्याय में दो प्रकार जीव, जो एक नित्य मुक्त और नित्य बद्ध, नित्य संसार। नित्य मुक्त जीव क्या करते हैं, नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख रहते हैं। नित्य मुक्त जीव कृष्ण चरण उन्मुख रहते हैं और कृष्ण पारिषद नाम पुण्य सेवा सुख। जो नित्य मुक्त होते कृष्ण सेवा में हमेशा तालीन रहते हैं, कृष्ण सेवा में ही लगे रहते हैं, तब क्या होता है, हमेशा कृष्ण सेवा में कृष्ण सेवा करने के पश्चात उनको सेवा सुख मिलते हैं, कृष्ण सेवा के सुख मिलते रहते हैं। इसलिए बताते हैं नित्यबद्ध कृष्ण होते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुख। जो नित्यबद्ध होता है कृष्ण होते नित्य बहिर्मुख रहते हैं, नित्यबद्ध जी कृष्ण होते बहिर्मुख रहते हैं और नित्य संसार भजन करते हुए नरकादि दुख हमेशा मिलते रहते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे ये नरकादि नित्य दुख से जीव कैसे बच सकते हैं। और परीक्षित महाराज भी ऐसे प्रश्न पूछे, परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी ने ये थोड़ा से टच करके इसका जवाब दे चुके हैं, परंतु परीक्षित महाराज ने इसमें संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए फिर से परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा कि फिर से आप ये चीज आप बताइए छठे स्कंद में। इसलिए परीक्षित महाराज ये प्रश्न जवाब देते हुए सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्न का जवाब इस अध्याय में बहुत सुंदर रूप से दे रहे हैं। तब सारे नित्य संसार नित्य बद्ध जीव कृष्ण बहिर्मुख होते होने के नाते क्या होता है, जैसे चैतन्य मध्य लीला द्वादशी अध्याय बोलो, वो तो नित्य संसार में लगे हुए हैं। चैतन्य चरितामृत
मध्य लीला दाविंशति अर्थात 22 नंबर 22 अध्याय 22 अध्याय 13 नंबर श्लोक 12 नंबर श्लोक खुलो। हाँ तब क्या होता है, जिस समय नित्य संसार में लगे रहते हैं उसी समय सही दोषे माया पिशाची दंड करे तारे आध्यात्मिक तापत्र तारे जारी मारे। तेरा नमस् आया मिला। तब माया पिशाची तब जिसमें संसार के पीछे लगे हैं तब उसी समय यहाँ पे इस तरह तरीके से वो जीव भोगना पड़ता है, जीव को चैतन्य चैतन्य सुंदर से बंधन करके। 14 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, आप लोग सब बोले, काम क्रोधे दास होया तार लाती खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। इस तरह जीव काम और क्रोधे दास होते हुए क्या होगा, उनका लाठी खाना पड़ता है। लाठी खाते 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 इस तरह भ्रमण करते करते साधु वैद्य मिल जाते हैं, साधु वैद्य मिल जाते हैं, साधु वैद्य का क्या इलाज देते हैं, दवाई देते हैं, उसका दवाई दवाई देते हैं, दवाई की वजह से क्या होगा बोल रहे हैं। तार उपदेश मंत्रे पिशाची पालाय, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। जीव भ्रमण करते करते साधु वैद्य मिल जाते हैं, साधु वैद्य मिलने के वजह से उनका उपदेश से माया रूप पिशाची दूर हट जाते हैं, उसी समय कृष्ण भक्ति का उनको साथ मिलता है। कृष्ण भक्ति करते ही जीव कृष्ण भक्ति के पास जा सकते हैं। यही चीज ये इस श्लोक में बहुत सुंदर से बताते हैं। जो जीव भक्तिर परेशानुभव विरक्तिर अन्नत उच्चते, यदि कोई कृष्ण भावान्वित में उन्नत है तो कृष्ण भाव में कैसे उन्नत हो सकते हैं, साधु वैद्य का इस तरह जिसमें साधु वैद्य मिल जाएगा तब कृष्ण भक्ति का पथ उसको मिल जाएगा। तो उसके लिए भौतिक कर्म पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही स्वतः साधीन बन जाते हैं। यही कृष्ण भावानिवृत्ति की परीक्षा है। जिस समय जीव एक कृष्ण भक्ति के साथ मिल जाते हैं तब उनका पास ये पाप पुण्य कर्म फल पूरा दूर हो जाते हैं, जिसमें कृष्ण भक्ति का साथ मिल जाते हैं। और जो कृष्ण भक्ति का साथ नहीं मिलता है उनके लिए ये पाप पुण्य से बचना बहुत ही मुश्किल होगा। पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही वास्तव में अज्ञान के कारण होते हैं, क्योंकि कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव को अपनी निज इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना होता। जीव कृष्ण दास के रूप नित्य दास के रूप में जीव को अपनी निजी इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना होता। जय श्री राधा मधुमंदिर लेकर वृंद की कृष्ण बड़ाम भगवान की पति पावन गौनता की प्रहलाद सिंह भगवान की जगन्नाथ बलदेव सूर्य महारानी की। अतः जो ही वह भक्ति के पद को प्राप्त करता है वह पाप तथा पुण्य कर्म के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देते हैं।
और केवल उसी में रुचि लेता है जिसमें कृष्ण तुष्ट हो। भक्ति की यह विधि या कृष्ण की भक्ति वासुदेव परायण मनुष्य को सारे कर्म फलों से छूट कर दिलाती है। यह होता है भक्ति का महिमा। जिस समय जी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के चरण में भक्ति में लगे रहते हैं, तब तो उन्होंने सारे कर्म फलों से छूट कर दिलाती है उनको। क्योंकि महाराज परीक्षित महान भक्त थे, अतएव उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी द्वारा कर्मकांड तथा ज्ञानकांड विषयक दिए गए उत्तर उन्होंने तुष्ट नहीं कर सके, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य के हृदय की बात जानते हुए भक्ति के दिव्य आनंद की व्याख्या की। केचित शब्द का यहाँ पर अर्थ है कुछ लोग, सभी नहीं। हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। जैसा कि कृष्ण ने भगवद गीता ने बताया गया, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये यतदाम अपि सिद्धानां कश्चित् मांगेति तत्ततः। कोई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जान पता है। व्यवहारिक रूप में कोई भी व्यक्ति कृष्ण को यथा रूप में नहीं जान सकता, क्योंकि कृष्ण को पुण्य कर्मों या सर्वोच्च ज्ञान की उपलब्धि द्वारा नहीं समझ जा सकता। वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान तो कृष्ण को समझना है। कृष्ण को न समझ पाने वाले अज्ञानी लोग यह सोचकर गर्व से खुले रहते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं या कि वे कृष्ण का नारायण बन चुके हैं। यही अज्ञान है। इतना सुंदर बताएगा इसमें प्रभुपाद जी महाराज। सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञानकांड कर्मकांड विषय के बारे में सब कुछ बताया गया, तो इस के बारे में श्लो परीक्षित महाराज ने संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए श्लो सुखदेव गोस्वामी ने फिर से ये चीज को बताने लगा, दोहराने लगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बन करके गया भगवद गीता में श्लोक उदाहरण देखे। ये साधारण चीज नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। इसलिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी सुंदर बताया गया जो भक्ति की शुद्धता को सूचित करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ने कहा है कि अन्न अभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णान अनुशीलन भक्ति उत्तम। मनुष्य को चाहिए कि परम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति समर्पित होकर तथा भौतिक लाभ या सकाम कर्म अथवा दार्शनिक चिंतन के द्वारा लाभ की इच्छा से रोहित होकर करें। यही शुद्ध भक्ति का अनुकूल है। अभी भक्ति शास्त्र में महाराज भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में बहुत सुंदर वर्णन चल रहे हैं, जो भक्ति के बारे में बहुत सुंदर रूप गोस्वामी बताया गया। यही चीज को सुंदर से महाराज ने बता रहे थे जो किस तरह तरीका से अन्न अभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और किस तरह होना चाहिए
ಆನುಕೂಲ್ಯನು, ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ದಾರ್ಶನಿಕ ಚಿಂತನ ಕದಾರ ನೈ ಕುಜ್ ಭಿ ನೈ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ಬಾತಾತೆ, ಶಿಲ ರೂಪಕೃಷ್ಣ ಬಾತಾ ರಹೆ ಜೆ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಹಿಯ ಕಿ ಕೇವಲ ಪರಮ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಹೋಕರ್ ತಥಾ ಭೌತಿಕ ಲಾಭ ಯಾ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ದಾರ್ಶನಿಕ ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಲಾಭ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಸೆ ರೋಹಿತ ಹೋಕರ್ ಏಹಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ. ಶಿಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿ ವಹ ಭಿ ಬತಲಾತೆ ಹೇ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಕ್ಲೇಶಾಗ್ನಿ ಸುಭದಾ ಹೇ, ಅರ್ಥಾತ್ ಜೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಉಸ್ಕೆ ಸಭಿ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಶ್ರಮ ತಥಾ ಭೌತಿಕ ಕ್ಲೇಶ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇ ಔರ್ ಉಸೆ ಪೂರ್ಣ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೇ. ಭಕ್ತಿ ಇತ್ನಿ ಪ್ರಬಲ ಹೇ ಕಿ ವಹ ಮೋಕ್ಷ ಲಘುತಾಕೃತ ಭಿ ಕಹಿ ಜಾತಿ ಹೇ. ದೂಸರೆ ಶಬ್ದ ಮೇ ಯ ಮೋಕ್ಷ ಕಿ ಮಹತ್ತಾ ಕು ಕಮ್ ಕರ್ತಿ ಹೇ. ಭಕ್ತಿ ಇತ್ನಾ ಸುಂದರ ಚೀಜ್ ಹೇ, ಭಕ್ತಿ ಇತ್ನಾ ಸುಂದರ ಚೀಜ್ ಹೇ ಸಾರೆ ಚೀಜ್ ಕು ಜಲಾ ದಿತಿ ಹೇ, ಸಾರೆ ಚೀಜ್ ಕು ಜಲಾ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕ ಚರಣ ಮೇ ಪಹುಂಚಾ ದಿತಿ ಹೇ, ಪಹುಂಚಾ ದಿತಿ ಹೇ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಚೈತ್ರ ಚೈತ್ರಮಿತ ವರ್ಣನ ಹೇ ಉಷಿ ಉದ್ಧಾಯ ಮೇ 21 ನಂಬರ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತಿ ದಿತೆ ನಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಬಿನೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಖೆ ಸೇ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಯ್ ಬಿನಾ ಜ್ಞಾನಿ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತಿ ದಿತೆ ನಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಬಿನೆ, ಭಕ್ತಿ ಛೋಡ್ಕೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತಿ ನೈ ದೇ ಸಕ್ತೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಉನ್ಮುಖೆ ಸೇ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಯ್ ಬಿನಾ ಜ್ಞಾನಿ. ಜೋ ಕೃಷ್ಣ ಉನ್ಮುಖ ಜೋ ಕೃಷ್ಣ ಕ ಪ್ರತಿ ಸೇವೆ ಮೇ ಲಾಗಿ ಹುಯೇ ಹೇ, ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಚರಣ ಮೇ ಜಿನ್ ಕಾ ಮೋತಿ ಲಾಗ ಚುಕೆ ಹೇ ಉನ್ಕಾ ಸಾರೇ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ಚುಕಾ. ಇಸಲಿಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಕಹಾ ಜಾತೆ ಹೇ ಯೆ ಭಾಗವತ ಮೇ ಇಸ್ ತರಹ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ ಬತಾತೆ ಹೇ. ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯ ದಾಸ ಜೀವ ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯ ದಾಸ ಜೀವ ತಾಹಾ ಭೂಲಿ ಗೆಲ ಏಹಿ ದೋಷೆ ಮಾಯಾ ತಾರ ಗೊಲಾಯ ಬಂದ ಜಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಜಿಸ್ ಪೇ ಭೂಲ ಜಾತೆ ಹೇ ಮಾಯಾ ಪೇಶಾಚಿ ಗೊಲಾಯ ಬಂದ ತಾತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಜೆ ಕರೆ ಗುರುರ ಸೇವನ್ ಮಾಯಾಜಾಲ ಛುಟೆ ಪಾಯೆ ಕೃಷ್ಣರ ಚರಣ. ಜಿಸ್ ಸಮಯ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಗುರು ಕಾ ಚರಣ ಗುರು ಗುರು ಸೇವಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಉಸ ಸಮಯ ಮಾಯಾ ಜಾಲ್ಸಿ ಛೂಟ್ ಪಾತೆ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಚರಣ ಮಿಲ್ ಸಕತೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಬೋಲಾ ಚಾರಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮೆ ಯದಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಹಿ ಭಜೆ ಸಕರ್ಮ ಕರಿಲೆ ಅಸೆ ರೌರವೆ ಪಡಿ ಮಜೆ. ಚಾರಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮೆ ಯದಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಜೆ ನೈ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಸಕರ್ಮ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಭಿ ರೌರವೆ ಪಡಿ ಮಜೆ ನರಕ ಮೇ ಜಾನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೇ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಬಾತ್ ರಹಿ ಯಹಾಂ ಪೆ ಜ್ಞಾನೀ ಜೀವನ ಮುಖ ದಶಾ ಪಾಯನ ಕರಿ ಮಾನೆ ವಸ್ತುತ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧ ನಹೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬಿನೆ. ಜೋ ಕುಜ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬಿನಾ ಕುಜ್ ಭಿ ನೈ ಕುಜ್ ಭಿ ನೈ. ಇಸಿಲಿಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಕಹತೆ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಸಮ ಮಾಯಾ ಹಯ ಅಂಧಕಾರ ಜಹಾ ಕೃಷ್ಣ ತಾಹಾ ನೈ ಮಾಯಾರ ಅಂಧಕಾರ. ಇಸಿಲಿಯೇ ಈ ಉದಾಹರಣ ದೇಕೆ ದಿಯಾ ಜೆ ಸೂರಜ ಜಿಸ್ ಉದಿತ ಹೋತಾ ಹೇ ಕೋಹರಾ ಆಪನೇ ಆಪ್ ದೂರ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ. ಇಸಿಲಿಯೇ ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಲಾಗೆ ರಹೇಂಗೆ ಉಸ್ಕಾ ಸಾರೇ ಕುಚ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರೂಪ ಸೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ.
इसलिए यहाँ पे बताया गया 33 नंबर श्लोक आप लोग तो बोली 33 नंबर श्लोक आया। कृष्ण तुम्हार हुए यदि बोले एक बार मायाबद्ध हईते कृष्ण तारे करे पार। इतना सुंदर है, यदि जीव साधक यदि एक बार भगवान के पास होके बताते हैं ये मैं आपका हो गया, तो भगवान इतना कृपालु है मायाबद्ध जीव को मायाबद्ध से छुटकारा देते हैं। इतना भगवान कृपालु होता है, इसलिए बोला। उसके बाद श्लोक में 35 नंबर श्लोक में बताते हैं, भक्ति मध्य सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि है गाढ़ भक्ति जगे तबे कृष्ण रे भजाय। भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी यदि इस तरह सुबुद्धि जागृत होगा तब गाढ़ भक्ति जग में भगवान श्री कृष्ण को भजना करने लग जाते हैं। उसके बाद श्रीमद् भागवतम में इस तरह श्लोक होता है, श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद में तीसरा अध्याय 10 नंबर श्लोक बताते हैं, वकामो सर्वकामो मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति जगेन जजितो पुरुषंगरम। उसके बाद ये श्लोक, वकामो सर्वकामो मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति जगेन जजितो पुरुषंगरम। भक्ति योग तीव्र भक्ति योग में यदि भक्ति योग में लग जाते हैं तब अकाम सर्वकाम मोक्ष कामी जितना सारे कामी है सब छुटकारा पा लेते। उसके बाद 37 नंबर श्लोक में बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास को गोस्वामी, अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन ना मागिले हो कृष्ण तारे देन सचरण। भगवान कृष्ण कितना कृपालु है, अन्य कामी व्यक्ति अन्य कामी मतलब अकाम सर्वकाम मोक्ष काम जितने सारे कामी है यदि वो भगवान के चरण में आके भजना करते हैं, जसंग देही धनंग देही पुत्रंग देही 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 सब कुछ देही करते हैं, भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु होते हैं। भगवान के चरण में क्या माने कृष्ण भक्ति वो तो जानते नहीं है, ना मागिले हो कृष्ण तारे देन सचरण। भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु है जी भगवान श्री कृष्ण उनको सचरण देने के लिए तैयार जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे उसके बाद श्लोक में, कृष्ण कहे आम भजे मागे विषय सो अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ मूर्ख। कितना सुंदर, कृष्ण बोल रहे हैं आमा भजे मागे विषय सो, अरे मेरे पास आया मेरा चरण में आया तो कुछ तो कीमती चीज मांगो, इतना थोड़ा चीज मांगने के लिए हमारे पास आना क्या जरूरत है, तब आ चुके हैं ठीक है बहुत भाग्यशाली है। तब भगवान बोलते हैं अमृत साड़ी मेरा चरण अमृत रहते हैं, चरणामृत बोलते चरणामृत अमृत जो अमृत छोड़ के ये जहर जहर मतलब विषय सुख, ये विषय सुख मुझे मांगने के लिए आया, कितना बड़ा मूर्ख है ये। तो भगवान क्या करते हैं, आमी विज्ञ यही मूर्ख के विषय कहने दिव सचरणामृत दिया विषय भुलाइब। भगवान श्री कृष्ण कितना कृपा दे जाते, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं तो वो मूर्ख हो सकते हैं, मूर्ख होके मेरे पास क्या
चाहते चाहना चाहिए वो जानता नहीं है, तो मैं तो विज्ञ हूं। एक मूर्ख व्यक्ति को मैं विषय क्यों देंगे? सौ चरण में तो देखिए तो विषय को भुला देंगे मैं इनको। कितना कृपालु होने के नाते इतना सुंदर सारे जीव को कृपा करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण होता है, हे कृष्ण करुणार सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा का सिंधु, दीन बंधु, दीन का बंधु है जगत पते। भगवान इस तरह व्यक्ति को सौ चरणों को देखे विषय से भुला देते हैं। उस समय क्या होगा जीव, उसके बाद वर्णन कर रहे हैं, काम लागे कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे। काम छाड़ी दास होते हय अभिलाषे। साधक जिसमें कामना के पीछे लगे रहे भगवान को थोड़ा रस मिल जाए तो भगवान को भजन करते हैं, भजन करते करते वो छोड़ के भगवान का दास होने के लिए अभिलाषा करते हैं। दास होने के लिए अभिलाषा करने के पश्चात क्या होता है, उस तरह बहुत सुंदर बन करके गया। उसके बाद श्लोक, संसार भ्रमिते कोनो भाग्य के हतरे नदीर प्रवाहे जन काष्ट लागे तेरे। इस तरह जीव संसार भ्रमण करते 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 कोनो भाग्य वो करते हैं। किस तरह उदाहरण लेके गया, नदी प्रवाह जनो काष्ट लगे करे, नदी में प्रवाह में जन काष्ट बह जाते हैं, कोई सौभाग्य किसी सौभाग्य वजह से एक किनार में आके लगते हैं, तब क्या होगा, कोनो भाग्य कारो संसार खयन मुख है। साधु संगे तरे कृष्ण रति उपजय। कोनो भाग्य कोनो कारो यदि संसार खयन मुख हो जाता है तब साधु संग का वजह से साधु संग करने का मौका मिलता है, और साधु संग करने का जिस समय अवसर हो जाते हैं इसको कृष्ण आसक्ति हो जाते हैं, तब क्या होगा, उसके बाद बहुत सुंदर से वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने गुरु अंतर्जामी रूपे शिखाए आपने। कृष्ण यदि भगवान श्री कृष्ण इस तरह कृपा करते हैं कोई भाग्यवान व्यक्ति को, तब गुरुदेव अंतर्जामी रूपे उनका अंतर्जामी रूपे अंतर में प्रकाश होता है सब कुछ शिक्षा देने के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, साधु संग कृष्ण भक्त श्रद्धा यदि है भक्ति फल प्रेम है संसार जाय है। साधु संग कृष्ण भक्त श्रद्धा यदि है भक्ति फल प्रेम है संसार जाय है। इस तरह हम लोग देखते हैं ये कृष्ण भक्ति का वजह से जिस कितना सुंदर रूप से सारे व्यक्ति ये भौतिक संसार से छुटकर प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कैसे भौतिक लोभ से मुक्त हो सकती हैं इसलिए ये बताया गया। इसके बाद तात्पर्य बता रहे हैं इसलिए प्रभुपाद जी, अभक्तों को भौतिक कष्टों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनमें सकाम पाप कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, उनके हृदय में पाप कर्म करने की इच्छा अज्ञान के कारण बनी रहती है,
ये पाप कर्म तीन कोटियों में विभाजित किए जाते हैं, पातक, महापातक तथा अति पातक। इसके दो विभाग भी किए जाते हैं, प्रारब्ध तथा अप्रारब्ध। प्रारब्ध उन पाप कर्म पाप फलों का द्योतक है जिन्हें वर्तमान समय में भोगा जा रहा होता है, और अप्रारब्ध द्योतक है संभाव्य कष्टों के स्रोतों का। जब भी पापों के बीज फलित नहीं होते तो वे फल अप्रारब्ध कहलाते हैं। पाप कर्मों के वे बीज अदृश्य होते हैं किंतु ये असीम होते हैं, असीम, और इसका कोई भी पता नहीं लगा पता है कि सर्वप्रथम उन्हें कब बोया गया था। वे पाप फल जो अंकुरित हो चुके हैं और जो प्रारब्ध कहलाते हैं, और उनके कारण मनुष्य को या तो निम्न कुल में जन्म लेते या अन्य कष्टों से पीड़ित होते देखा जाता है। ठीक है, तात्पर्य बहुत बड़ा है, तात्पर्य पढ़ते जा रहा हूं। किंतु जब मनुष्य भक्ति ग्रहण करता है तो पापमय जीवन की सारी अवस्थाएं जिनमें प्रारंभ, प्रारब्ध, अप्रारब्ध तथा बीज सम्मिलित है समाप्त हो जाती है। भगवद्गीता में भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं, यथाग्निशमृद्धिर्चि करोति धांसि भस्मसात् तथा समृद्धया भक्ति रुद्धोय विनांसि कृतंसा। हे उद्धव, मुझसे संबंधित भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इनमें डाले गए पाप कर्म रूपी सारे ईंधन को जलाकर भस्म कर डालती है। यह भक्ति जिस तरह से पापमय जीवन के फलों को समाप्त करती है उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में हुई है, जो भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूती को उपदेश देते समय कहा था। देवहूती ने कहा, जन्नामधेय श्रवणान कीर्तना, बोल सकते हैं, जन्नामधेय श्रवणान कीर्तना, जत्नाद जत्स्मरणाद विकश्चित् श्रद्धोपि शब्द श्रवणाय कल्पते, कुतः पुनस्ते भगवन्तु दर्शनात्। बोले, हे प्रभु, यदि चन्नालो के परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी आपकी जस को सुनता और बारंबार उसका कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है और आपका स्मरण करता है, तो वह ब्राह्मण से बढ़कर है, अतएव यज्ञ करने का पात्र है, यज्ञ करने का पात्र है। इसलिए जिसने आपका साक्षात दर्शन किया हो उसके विषय में क्या कहा जाए। कितना सुंदर बना पद्म पुराण में एक उक्ति है कि जिन व्यक्तियों के हृदय भगवान विष्णु की भक्ति में प्रति अनुरक्त है वे जीवन के समस्त पाप फलों के तुरंत मुक्त कर दिए जाते हैं। वे फल सामान्यतया चार अवस्थाओं में रहते हैं, इनमें से कुछ तुरंत फल देने वाले होते हैं, कुछ बीज रूप में रहते हैं, कुछ अव्यक्त रहते हैं और कुछ वर्तमान में संबंधित होते हैं। ऐसे सारे फल भक्ति द्वारा तुरंत निरंतर हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। जब किसी के हृदय में भक्ति उपस्थित होती है तो पाप कर्म करने की इच्छाओं के पाप कर्म की इच्छा के लिए उनमें कोई स्थान नहीं रह पाता। पापमय जीवन अज्ञान के कारण होता है।
जिसका अर्थ है ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपने वास्तविक आपके स्वाभाविक स्थिति को भूल जाना। किंतु पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने पर उसे अनुभूति होती है कि वह ईश्वर का नित्य दास है। यही चीज बताइए ये कृष्णदास जिसने भूल जाते हैं उस समय माया और पिशाच उनका ग्वाल में बन जाते हैं। जीव कृष्ण नित्य दास यही भूल गेलो हमने मायार फास बोलाए मन को। जीव कृष्ण नित्य दास जो भूल जाते हैं माया देवी अपने इस संदर्भ में छिलो गोस्वामी की टीका है कि भक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं, संतता वह भक्ति जो श्रद्धा तथा प्रेम से निरंतर चालू रहती है तथा कदाचित वह भक्ति जो निरंतर चालू नहीं रहती अपितु कभी कभी जागृत होती है, और संतता भक्ति तो भक्ति को भी दो विभाग में बांटा जा सकते हैं, किंचित आसक्ति सहित संपन्न सेवा होता है रागानुग भक्ति। कदाच की भक्ति के तीन विभाग किए जा सकते हैं, रागा भास्मयी वह भक्ति जिसमें मनुष्य अनुरक्त प्राय होता है, और रागानु रागा भास शून्य स्वरूप होता भक्ति जिसमें रागानु प्रेम नहीं होता किंतु मनुष्य सेवा करने की स्वाभाविक स्थिति की चाहता है तथा आभास रूपा भक्ति की किंचित झलक जहाँ तक प्रायंचित प्राश्चित की बात है। यदि किसी को भक्ति की किंचित झलक प्राप्त हो जाती है तो प्राश्चित करने की सभी आवश्यकताएं नहीं रह जाती। अतएव जब मनुष्य को रागानु का प्रेम प्राप्त हो चुका हो और उसके साथ प्रेम से लगाव हो जो कि पदार्थ की प्रगति के लक्षण है तो प्राश्चित निश्चित रूप से अनावश्यक होता है। यहाँ तक कि आभास रूप भक्ति अवस्था में पापमय जीवन के सारे पाप फलों का उन्मूलन एवं विनाश हो जाता है। श्रील जीव गोस्वामी का मत है कि अर्थस्थन शब्द का अर्थ है कि पाप कर्म करने की इच्छा होने पर भी उस इच्छा का उन्मूलन केवल आभास रूप भक्ति से हो जाता है। भास्कर अर्थात सूर्य का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। भक्ति को आभास रूप की उपमा उषा काल से दी गई है और पाप कर्मों के संचय की उपमा कोहरे की दी गई है, क्योंकि कोहरा पूरे आकाश में नहीं छा रहा था, अतः सूर्य को अपनी प्रथम किरण फैलने की अतिरिक्त तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती, इससे कोहरा तुरंत दूर हो जाते हैं। इसी तरह यदि किसी का भक्ति से थोड़ा सा भी संबंध हो जाता है तो उसके पापमय जीवन का समस्त कोहरा तुरंत नष्ट हो जाता है। यह पिछले प्रबंध अध्याय में आपको जो समाप्त है बहुत सुंदर रूप से इस श्लोक में बताया गया श्री सुखदेव गोस्वामी किस तरह तरीका से ये शुद्ध भक्ति क्या चीज है और शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति करने के वजह से कैसे जीव सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में आगे चल के और सुंदर रूप से वर्णन करेंगे सुखदेव गोस्वामी हम लोगों के लिए कि कैसे हम लोग ये पाप से बांच सकते हैं, भगवान के प्रति भक्ति करने का कैसे सुंदर से सुंदर तरीका है, ये धीरे धीरे बातों पर जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। यहाँ पे मैं विराम दे रहा हूँ, इसे कोई कोई प्रश्न है संशोधन है सुझाव है लोग महाराज हैं सब कुछ हमें प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण गंथरा श्रीमद्भागवतम की जगदुशील प्रभुपाद की।
समस्त गौर भक्त वृंद की हिताय गौर प्रमानंदे हरि बोल।